हेलो फ्रेंड्स, कोमल्स किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन आने वाला है, तो मैंने सोचा कि मिठाइयाँ तो सभी लोग बना रहे हैं, मैं कुछ ऐसी डिश बनाऊं जो खाने में बहुत टेस्टी हो और हमारे छोटे छोटे भाइयों को पसंद भी आए। जनरली बच्चों को मिठाइयाँ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, उन्हें केक पेस्ट्रीज अच्छी लगती है। तो मैंने कोशिश की है छोटे छोटे केक बनाने की, लेकिन जिसका टेस्ट बिल्कुल रसमलाई की तरह हो। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट बनने वाला मीठा ये है। इसमें आपको मिठाई का भी टेस्ट मिलेगा और केक का टेक्सचर मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हम मिनी रसमलाई केक कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 3 कप दूध ले लिया है, इसे गैस पे हमने चढ़ा लिया है। तो ये 3 कप दूध को हमें रिड्यूस करना है, और तब तक इसे रिड्यूस करेंगे जब तक ये 1.5 कप हो जाए। अब फ्रेंड्स, इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप चीनी और इसे रिड्यूस होने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, दूध अच्छे से रिड्यूस हो चुका है, ये देखिए लगभग 10 मिनट लगे इसे रिड्यूस होने में, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे पकाया है। अब फ्रेंड्स, इसमें हम डाल देंगे थोड़े से कतरे हुए पिस्ता और बादाम। थोड़ा सा दूध को थिक करने के लिए ये मैंने 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को थोड़े से दूध में ऐसे घोल लिया है, इसे हम डाल देंगे। इससे जो दूध तैयार होगा थोड़ा थिक हो जाएगा। बस 30 सेकेंड के लिए फ्रेंड्स इसे हम और पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो दूध बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 1/4 टीस्पून डाल देंगे इलायची पाउडर। फ्रेंड्स, अब हमें लेना है ग्राइंडिंग जार, में हम डालेंगे 1/2 कप चीनी, 1/4 कप तेल डालना है हमें। कोई भी तेल डाल सकते हैं, मैंने राइस ब्रान ऑयल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं, बस मस्टर्ड ऑयल ना डालें। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप दही, ध्यान रखें दही आप खट्टी ना ले, कोशिश करें 1 या 2 दिन पुरानी दही ले। अब इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी है, अब इसे हम मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम एक स्टेनर ले लेंगे, डालेंगे 1/2 कप मैदा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। अब इसे फ्रेंड्स हम लोग छान लेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे ये 1/2 कप सूजी, अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1/3 कप दूध डाल देंगे, डाल देंगे हम 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसे आज हम
गैस पे बनाने वाले हैं। तो एक बर्तन हमने चढ़ा लिया है गैस पे, आप देख सकते हैं। इसमें डाल दिया है आधा ग्लास पानी और एक स्टैंड भी डाल दिया है इसमें हमने। इसे हमने 5 मिनट के लिए गर्म कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक केक टिन ले लिया है मैंने और उसमें मफिन्स लाइनर को इस तरह से लगा लिया है। आप चाहे तो छोटी छोटी कटोरियों में भी ये केक बना सकते हैं। हमने ये बैटर इसमें डाल दिया है, तो चलिए इसे हम स्टीम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हम 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम कर लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए चेक करते हैं। ये देखिए नाइफ बिल्कुल क्लीन निकली है, इसका मतलब केक अच्छे से कुक हो चुका है। इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए केक अच्छे से बेक हो चुका है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा मफिन्स जो है वो कुछ डिफरेंट शेप में ही बन गया है, क्योंकि अच्छे से फिट नहीं हुआ, मेरे पास छोटी कटोरियां नहीं थी। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम एक आइडिया अपनाएंगे। तो मैंने ये एक बिस्किट कटर ले लिया है, ये देखिए इस तरीके से हम सारे मफिन्स को कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको राउंड शेप में कट कर लिया है, अब ये और ज़्यादा क्यूट दिख रहे हैं। अब हमने जो रबड़ी बनाई थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब फ्रेंड्स, इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा कतरा हुआ बादाम और थोड़े से कतरे हुए पिस्ते। तो फ्रेंड्स, मेरी रसमलाई केक बिल्कुल रेडी है। और ये जो हमने साइड से कट किया है मफिन्स को, इसके ऊपर भी हम डाल देंगे थोड़ी सी रबड़ी, इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। ये छोटी सी बॉल भी रेडी हो गई है मिनी रस मलाई की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसे रेफ्रिजरेट कर लिए 1 घंटे के लिए, उसके बाद सर्व करें, इससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। तो चलिए मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल रस मलाई वाला टेक्सचर में तैयार हुआ है फ्रेंड्स ये। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई रसमलाई मिनी केक अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।